नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और डिस्कस करेंगे IEX स्टॉक के बारे में। एक बंदे ने मैसेज ये करा था कि सर, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ही ऑपरेटर है, और ऐसे मजाक भी चल रहे हैं जोक सपाट। आगे इस स्टॉक के टेक्निकल ट्रेंड या न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि पास्ट 5 डेज के ट्रेंड आपको 12-13% के निगेटिव ट्रेंड यहाँ पे दिख रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण रहा था मार्केट कपलिंग के न्यूज के कारण। और आगे के ट्रेंड डिसाइड करेगा इसका क्वार्टरली नंबर्स, जो कि 25 जनवरी को नंबर्स इसके डिक्लियर होने हैं। यहाँ देखेंगे तो 25 जनवरी को इसके क्वार्टरली नंबर्स डिक्लियर होने हैं, जहां से आगे के ट्रेंड आइडेंटिफाई करे जाएंगे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा, 41% डिलीवरी गई, और ये 1 करोड़ के वॉल्यूम जो है, एक बार अगर हिस्टोरिकल चार्ट में देखेंगे तो ये कॉमन वॉल्यूम है, क्योंकि यहां देखेंगे तो 6-7 करोड़ के वॉल्यूम से इसको ब्रेक डाउन करा गया था। अब मैं इस स्टॉक के डिलीवरी देखेंगे तो बेटर दिखेगा, लेकिन ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड थोड़ा पैथेटिक ड्यू टू ये मार्केट कपलिंग का न्यूज रहा है। यहां चार्ट को देखें तो ये स्टॉक 2022 यानी 2022 जून जून महीने से 2022 से ये स्टॉक देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड कंसोलिडेट फॉर्म में है, और ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कब करेगा, इसके ब्रेकआउट के लिए मिनिमम जो वीकली क्लोजिंग होता है, जो साप्ताहिक जो समाप्ति होती है, वो 165 के ऊपर चाहिए। अगर वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर देता है तो 202, 249 और 320 जैसे लेवल्स भी बड़े लेवल नहीं होंगे, लेकिन इस समय एक कंसोलिडेट जोन में है। अगर आप SL ट्रेल करना चाहते हैं तो 124 के SL को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि इस जोन के नीचे और भी पैनिक ट्रेंड होते दिख सकता है। ये रेंज कंसोलिडेट है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर इग्नोर करेंगे, लॉन्ग टर्म बने हुए हैं तो बने रहें, फ्रेश बाइंग 165 के ऊपर के क्लोजिंग पर ही करेंगे।